अखिल भारतीय स्वाई मधुसंघ जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय स्वाई मधुसंघ जिंदाबाद 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 वाली साहब जिंदाबाद अभी भाई दर्शकों आप देख रहे हैं जेके न्यूज अपडेट। क्षेत्र की तमाम खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले दो दिन से हमारी अरसपुरा म्यूनसिपैलिटी के अंदर हमारे वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही थी। छोटी छोटी डिमांड्स थी डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ नाराजगी थी हमारे वर्कर्स के अंदर, तो यूनियन भी हमारे पास आए। उन्होंने आज क्योंकि दो दिन हम लोग एक दूसरे को मिल नहीं पाए और आज यूनियन सारे यूनियन के लीडर्स भी हमारे पास हैं और वर्कर्स भी हैं और हमने बैठ के सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो क्या मसला सर इनका? हमने जो भी जितनी भी इनकी डिमांड, जैसे मुलाजिम की ट्रांसफ़र का था, कुछ जीपी फंड के केसेस थे, कुछ लोगों की तनख्वाह नहीं निकली हुई थी, तो जितने भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी डिस्कस हुई और इनको हमने कहा कि एक हफ्ते के अंदर हम लोग सारी डिमांड्स को आपकी जो है वो हायर अथॉरिटीज तक ले जाएंगे और इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। जितना भी जहाँ भी जिस लेवल पे हुआ, चाहे वो ईओ लेवल पे है या कहीं हायर लेवल पे है, तो हम लोग बात करके इनका मसले जो है सॉर्ट आउट करेंगे। क्या सर हड़ताल ख़त्म हो गई है सर उनकी? आज हमारे जो मुलाजमों ने, जो हमारी जितनी यूनियन थी, उन्होंने कहा नहीं जी एक हफ्ते के अंदर आप इन हमारी डिमांड्स को पूरा करो, तो हमने इनको पूरी कोशिश करने का आश्वासन दिया कि हम लोग करेंगे। खत्म ने आज हमें अपने ऑफिस में बुलाया, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ बात हुई है और इनके आश्वासन पर हम एक हफ्ते के लिए अपनी स्ट्राइक जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर एक हफ्ते में हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हम एक हफ्ते के बाद दोबारा स्ट्राइक पर हैं और मीडिया का हम बहुत बहुत थैंक्सफुल करते हैं जो कि हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं। हमारे राइट्स के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है और हमारी यूनियन आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है। आके ते 3 बजे अही साहब ना वादा किया, एसडीएम साहब ना ते तानू अही अज पूरा शहर जरा साफ करवा के देंगे, साडी डिमांड्स एक हफ्ते च पूरी होएगी। इहदे नाल ही सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ने ही कमेटी ऑफिस पुजना अपना बच्चे।